मित्रों, अगर आपका भी कोई जानने वाला तुला राशि का व्यक्ति है तो जो हमने ये क्वालिटीज़ बताई हैं, वो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसको, उस व्यक्ति के जीवन को इम्प्रूव कर सकती है, अगर आपके फैमिली मेंबर है तो निश्चित रूप से तो आपका लाभ होगा, चाहे वो आपके पिताजी हों, चाहे आपकी माताजी हों, चाहे आपका भाई हो, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का जो भी व्यक्ति आपसे या मित्र हो, तो उसको अगर इससे लाभ हो सकता है वीडियो, तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा, उसको ज़रूर ये चीज़ें पॉइंट बता दीजिएगा, हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ प्रगति आ जाए और उससे आप भी लाभान्वित हो जाए, आपको भी कुछ लाभ मिल जाए। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग तुला राशि वालों के बारे में कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बिना किसी तंत्र के, मंत्र के, पूजा पाठ या बिना किसी रत्न धारण किए हुए, कुछ भी बिना किए हुए, केवल ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका मामला काफ़ी सही हो जाएगा, आपके जीवन में सफलताएं जो हैं काफ़ी जल्दी जल्दी आने लगेंगी और आपकी काफ़ी कमियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी, जिसकी वजह से कि आपको जीवन में बहुत स्पीडी एक कह सकते हैं सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, तुला राशि वाले जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी होती है कि वो लोग, आपने सुना होगा, अक्सर देखा होगा, वीडियो में पढ़ा होगा, लिखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा कि तुला राशि का जो व्यक्ति होता है वो बड़ा न्यायप्रिय होता है, बड़ा कह सकते हैं कि न्याय से जो है वो चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि तुला राशि का व्यक्ति जो होता है न्याय से तो चलता है, लेकिन वो दूसरों के प्रति ज़्यादा न्याय करता है। अपने लिए जब न्याय की बात आती है तो तुला राशि का व्यक्ति अपने लिए उतनी न्याय नहीं कर पाता, न्यायप्रिय होंगे लेकिन अपने लिए न्यायप्रिय नहीं होंगे, और यहीं पे आके तुला राशि का जो व्यक्ति होता है वो लोगों में अलोकप्रिय हो जाता है, लोग उससे फिर दूर भागने लगते हैं। क्योंकि दूसरों के लिए तो वो न्याय की बात करेगा कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी बात जब आएगी तुला राशि का व्यक्ति बिल्कुल भी न्याय नहीं करेगा, वो पूरा अपना पक्ष लेके खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, ये हमने कह दिया तो बस फाइनल है, बस यही सही है। आपको दूसरों के प्रति आप न्याय की अपेक्षा करते हैं तो अपने लिए भी आप न्याय की पहले व्यवस्था करिए और जो न्याय संगत हो वही आप काम करिए। अब दूसरी जो चीज़ है मित्रों, तुला राशि जो होती है वो शुक्र की राशि होती है, उसका मालिक जो होता है शुक्र होता है, तो शुक्र मालिक होने की वजह से तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शुक्र से संबंधित चीज़ें, मतलब कि सौंदर्य प्रसाधन बनना संवरना, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, जो आपके जो लिमिट में नहीं है लग्जरी, इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, और उससे क्या होता है कि अक्सर इसकी वजह से उनका बजट जो है बिगड़ जाता है ज़्यादा लग्जरी की वजह से। तो आप देखिएगा, तुला राशि अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपकी स्थिति, चाहे आप फाइनेंशियली उतना मजबूत ना होइए, लेकिन फिर भी आप लग्जरी जो है हमेशा ढूंढते रहेंगे, वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। सुख सुविधाएं अपनी जगह हैं लेकिन बजट भी जो है वो अपनी जगह पे है, तो यहाँ पे भी आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप खर्च करिए लग्जरी पे तो सोच समझ के खर्च करिए कि ऐसा तो नहीं कि ये जो हम खर्च कर रहे हैं हमको कल को भारी पड़ जाए, मेरा बजट बिगड़ जाए। तुला राशि का व्यक्ति जो होता है कोई भी काम किसी भी चीज़ में वो करने में वो जोड़े में करना चाहता है, अकेले वो उसको बड़ा घबराहट होती है, या आप जो कहिए कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो चाहता है कि मेरे साथ कोई रहे। तो आपने देखा होगा अक्सर तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं अकेले कहीं नहीं जाते, किसी न किसी मित्र को लेके, किसी न किसी कुछ साथी को लेके, कुछ नहीं तो अपने असिस्टेंट को लेके, कहीं ना कहीं आप गौर करिएगा मेरी बात पे, और वो कोई भी काम जो होता है किसी भी जगह वो प्रयास ये करते हैं कि जोड़े में जाए, और ये जो एक चीज़ होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जीवन की बहुत सी अपॉर्चुनिटी वो सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि वहाँ पे वो जाने में घबरा रहे, अकेले नहीं जा पा रहे हैं, और अकेले जाने में उनको लगता है छोड़ो यार वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं तो किसी दोस्त को पकड़ लिया, फ्रेंड को पकड़ लिया, मित्र को पकड़ लिया, लेकर चले गए साथ में। तो इस तरह के लोग सामान्यतः तुला राशि का व्यक्ति किसी न किसी एक आदमी को हमेशा अपने साथ में कैरी करता रहता है। ठीक,
तो ये जो चीज़ है इस पर गौर करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए जो चीज़ें हैं उसको करिए, और इसकी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है आज हम बता दिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिए और अकेले जाने का प्रयास करिए, जीवन को अकेले लड़ने का प्रयास करिए। मित्रों एक तीसरी बात हम आपको और बता देते हैं जल्दी से अभी ऐसे कि तुला राशि का व्यक्ति जो लोग बताते हैं कि बड़ा शांत प्रिय होता है और ऐसा होता है वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुला राशि का आपकी भी अगर है तो आप शांत प्रिय नहीं हैं, आप झंझट से बचना चाहते हैं, आप टकराव जो है उससे बचना चाहते हैं, आप झगड़े से बचना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं इधर छोड़ो ठीक है जाने, आप पीछे हट जाते हैं। और तुला राशि का जो व्यक्ति होता है उसकी कुंडली में अगर ये जो चीज़ होती है, हमने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, ये जो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है ग्रहों के कारण कि वो आगे बढ़ के चीज़ों को परसू करने लगता है, तब आप ये समझ लीजिए कि वो तुला राशि का व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। तो आप भी प्रयास करिए कि ये जो चीज़ है जो आपका नेचर है, शांत प्रिय होना दूसरी बात है और कमज़ोर होना दूसरी बात है, हम आपको वो बात बता रहे हैं, बुरी भी लग सकती है आप लोगों को तुला राशि वालों को, लेकिन सच्चाई जो है उस पर रहिए और इस चीज़ को सही करने का प्रयास करिए। जो कि कमजोरी दूसरी जो चीज़ हो गई तो ये नहीं कह रहे चलो ठीक है झगड़ा झंझट होगा तो इसलिए हम पीछे हट जा रहे हैं देखेंगे बाद में छोड़कर, आप आगे बढ़ के चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए, लेने की कोशिश करिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे लाइफ हो, चाहे फैमिली हो। देखिए आपका मामला कितनी जल्दी आप प्रोग्रेस करते हैं, कितनी जल्दी आप तरक्की करते हैं। मित्रों तुला राशि वालों के साथ एक और चीज़ हम आपको यहाँ बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि तुला राशि का जो व्यक्ति होता है वो चाहे उसकी उम्र जो भी हो, खास करके यंग एज में और पूरे जीवन, वो बड़ा एक रोमांटिक टाइप का व्यक्ति होता है। अब रोमांटिक टाइप का व्यक्ति है अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि शादी के पहले फ्लर्ट टाइप का भी आप कह सकते हैं व्यक्ति हो जाता है, सारे लोग नहीं होते हैं, कुंडली में स्थितियाँ होती हैं, तो कहीं स्थितियाँ कभी कभी इस तरह की हो जाती हैं कि ये फ्लर्ट करते रहते हैं और जीवन भर फ्लर्ट करते हैं, तो कभी कभी ये स्थिति हो जाती है इस फ्लर्ट करने के चक्कर में तुला राशि वाले गलत फंस जाते हैं, तो जब गलत फंस जाते हैं तो फिर वो उनको जीवन भर भुगतना पड़ता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी के बाद भी फ्लर्ट कर रहे हैं, अब पता लगा वहाँ गलत फंस गए तो उससे क्या हुआ कि उनका परिवार जीवन लाइफ पूरा सारा जीवन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो तुला राशि वालों को जब फ्लर्टिंग आप करिए तो भी सोच समझ के करिए कि कहीं ऐसा ना हो, एक लिमिट अपनी बना के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरे लिए कोई जीवन में मुसीबत खड़ी हो जाए। फ्लर्टिंग करना दूसरी चीज़ है और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना वो एक फिर खतरनाक हो जाता। और मित्रों तुला राशि वाले व्यक्तियों को एक चीज़ और का ध्यान रखना चाहिए कि तुला राशि का जो व्यक्ति होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करता है। ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग का क्या प्रयोग करता है कि वो कहीं बैठा भी हुआ है तो भी कुछ ना कुछ विचार कर रहा है, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मन में विचार करता रहता है, रिसर्च करता रहता है, इसको ऐसे करना है नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं, नहीं होने वाले उसके बारे में भी विचार करना, और जो हो रही हैं उसके बारे में भी विचार करना, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, इस सारी चीज़ों की वजह से तुला राशि के काफ़ी सारे जो व्यक्ति होते हैं आप देखेंगे कि उनको ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो जाती है। और काफ़ी सारे तुला राशि के व्यक्ति आपको इस तरह के मिल जाएंगे कि इतनी चिंता करने की वजह से, मानसिक दबाव इतना ज़्यादा होने की वजह से, और उन लोगों को आप देखिएगा अगर तो मानसिक समस्याएं भी हो जाती हैं, मानसिक समस्याओं मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि तुला राशि का जो व्यक्ति है ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज़ की, नर्वस सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो जो चीज़ होने वाली है, जो नहीं होने वाली है, क्या ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा आपको दिमाग अपना नहीं लगाना चाहिए, दिमाग को थोड़ा सा शांति देना चाहिए, उसको भी रिलैक्स होने का समय देना चाहिए। मित्रों तुला राशि वाले जो लोग होते हैं उनके एक और बहुत आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी होती है कि जब बहुत ज़्यादा विवाद होता है कहीं पे तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं आपके ये समाधान करने के लिए, लोगों का मुद्दा सुलझाने के लिए, और दो लोगों का झगड़ा जो है तुला राशि वाले अच्छे से सुलझा भी देते हैं, समझा भी देते हैं, उसको भी समझा देते हैं, उसको भी समझा देते हैं, और दोनों शांत होकर अपना अपना जो है मीडिएटर वाला जो काम है वो अच्छे से कर लेते हैं तुला राशि वाले विशेष कर। तो ये जो आपकी क्वालिटी है तुला राशि की,
तो यहाँ पे केवल ये नहीं है कि दो लोगों को आप न्याय, दो लोगों के बीच में झगड़ा ही खत्म करवा रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी एक बाई बर्थ क्वालिटी है कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस तरह के जो लोग होते हैं उनको HR वगैरह में, मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। तो ये जो आपका स्किल है इसको आप वहाँ यूज़ करने का प्रयास करिए। तो वो क्या है कि केवल आपको प्रगति ही नहीं देगा, आर्थिक लाभ भी देगा। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।